नमस्कार दोस्तों, चाहुल उद्योगाजी इस चैनल में मैं सभी आप उद्योजकों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम हरदम कुछ ना कुछ तो नई बात और नई सोच लेके आते हैं, इसलिए कि नए जमाने में नए बिजनेसमैन बन जाए और सभी लोगों को अपना खुद का कुछ ना कुछ तो प्लेटफॉर्म मिले। अनेक लोग हैं दुनिया में जो उनके पास बड़ी सी बड़ी पूंजी नहीं रहती है, लेकिन सभी लोगों का कुछ ना कुछ तो सपना होता है कि मेरा खुद का कुछ ना कुछ तो बिजनेस हो। आज ऐसे ही बिजनेस के बारे में हम बात करेंगे, जिस बिजनेस का नाम है आयुर्वेदिक जूस सेंटर। आपको पता है कि बहुत सी बीमारियां ऐसी आ रही है जो लोगों को बहुत से घबरा रही है, लोग उससे डर रहे हैं, और उन बीमारियों से बचने के लिए सभी लोग कुछ ना कुछ तो खुद के लिए एक सप्लीमेंट, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, आयुर्वेदिक जूस, ऐसा कुछ ना कुछ तो ढूंढ रहे हैं। हम ऐसे ही बिजनेस के बारे में आज बात करेंगे, ऐसे ही अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे जिसकी मांग दुनिया में बहुत है, आपके एरिया में बहुत है, आपके लोकेशन में बहुत है। लोग आपको ढूंढ के आपके घर पर आएंगे जूस लेने के लिए। सिर्फ आपको ये बिजनेस स्टार्ट करना है और वो भी कम से कम 1,000 या 1,500 रुपया लगा के। ऐसा अनोखा बिजनेस आज हम सोचेंगे, आज हम देखेंगे, लेकिन ये वीडियो आपको एंड तक देखना है। हमें एंड तक ऐसी बहुत सी ऐसी चीज़ बताऊंगा जो आपको ये बिजनेस बेहतरीन करने के लिए कुछ ना कुछ तो बहुत सी ऐसी अच्छी आइडियाज देंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो चालू करने से पहले चाहुल उद्योगाची ये यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों को सब्सक्राइब करना है। ये वीडियो कैसा लगा ये बताने के लिए आपका नाम और आपका कमेंट नीचे कमेंट में लिखना है, और उसके बाद आपको ये वीडियो लाइक भी ज़रूर करना है। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि आयुर्वेदिक जूस कैसे स्टार्ट करना है। अगर हमारे यहाँ पे बहुत से ऐसे जॉगिंग पार्क है, बहुत से ऐसे गार्डन है, बहुत ऐसी जगह है कि जहाँ पे सुबह सुबह लोग आते हैं और अपने सेहत के लिए कुछ ना कुछ तो योगा, व्यायाम या घूमने के लिए आते हैं, तो इसी जगह पे जाके हमको ये बिजनेस स्टार्ट करना है। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए करेला, तुलसी, नीम, नींबू, अदरक, बीट, गेहूं के घास, आंवला, ऐसी बहुत से सब्जियां हैं, बहुत से ऐसे फल हैं जिनका आयुर्वेदिक जूस निकलता है, और उस जूस के अनोखे ऐसे फायदे हैं जिसकी वजह से लोगों को उनकी सेहत अच्छी रखने के लिए कुछ ना कुछ तो सप्लीमेंट मिलता है, कुछ ना कुछ तो एक ऐसा आयुर्वेदिक दवा मिलता है। तो उसी तरीके से हमको ये प्रोडक्ट का जूस निकालना है और ये जूस लोगों तक पहुंचाना है। आपके पास आपने देखा ही होगा, कभी आप उठ के आपके जॉगिंग पार्क में जाइए, कभी आप सुबह उठ के ऐसी जगह जाइए कि जहाँ पे लोग सुबह सुबह घूमने के लिए आते हैं, आप ऐसी जगह जाइए जहाँ पे गार्डन है, तो वहाँ पे बहुत से लोग सुबह हो या शाम हो उस वक्त लोग वहाँ पे योगा करते हुए दिखेंगे, वहाँ पे लोग एक्सरसाइज करते हुए देखेंगे, वहाँ पे लोग अपने बहुत से मित्रों के साथ एक साथ बैठे हुए देखेंगे, और कुछ ना कुछ तो अपनी सेहत अच्छी रखने के लिए एक्टिविटीज़ करते हुए आपको दिखेंगे। तो उनकी सेहत अच्छी रखने के लिए ऐसे बहुत से लोग बाहर निकलते हैं, टहलने के लिए निकलते हैं, तो उन्हीं लोगों को उनकी सेहत अच्छी रखने के लिए सप्लीमेंट की भी ज़रूरत होती है, एक जूस की भी ज़रूरत होती है, और वो जूस रहता है आयुर्वेदिक जूस। आप देखेंगे कि करेले के कितने फ़ायदे हैं, तुलसी के कितने फ़ायदे हैं, नीम के कितने फ़ायदे हैं, नींबू, अदरक, बीट और जो गेहूं के घास निकलते हैं उनके कितने फ़ायदे हैं, आंवला के कितने फ़ायदे हैं, वो सभी प्रोडक्ट सभी लोगों के सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो इसी प्रोडक्ट का हमको बिजनेस करना है। हमारा मार्केट रहेगा, अगर आप किसी जॉगिंग पार्क में जाते हो, अगर आप वहाँ पे जाएंगे कि जहाँ पे लोग सुबह सुबह उठकर आते हैं, अगर आप गार्डन में जाते हो तो वहाँ पे जाके आपको एक छोटा सा जगह वहाँ पे टेबल रखना है, छोटी सी जगह पे, और टेबल रख के आपको ये सभी जो प्रोडक्ट मैंने आपको बताए तो उनके छोटे छोटे स्लाइस आपको करने, करेले के, तुलसी के, अदरक के, नींबू के,
बीट के गेहूं की घास इनको एक छोटे छोटे बाउल में रखना है और एक ग्राइंडर आपको लेना है। वो ग्राइंडर कम से कम आपको 1000 या 1500 रुपए में आएगा। ये ग्राइंडर लेके आप जो भी क्लाइंट आपके पास आएंगे उनके सामने ही वो जूस निकाल के उनको दे सकते हैं। सेकेंड थिंग, अगर आपको वैसे नहीं करना है तो आप आपके घर में ही आपके मिक्सर से ग्राइंडर से घर में ही बैठ के वो जूस निकाल सकते हो और एक कांच की बोतल में भर के आप जहाँ पे वो सेटअप लगाने वाले हो वहाँ पे आप लोगों को दिखेगा उस तरीके से रख सकते हो। अगर ये रखने के बाद आपको उसी वक्त उसी टाइम जो एक्सरसाइज करने के लिए क्लाइंट आते हैं वो सभी लोग आपके पास आएंगे और जूस पीने लगेंगे। अगर आप 10 रुपये में एक ग्लास बेचते हो तो आपको बहुत ही मुनाफा होगा। 10 रुपये के ग्लास में आपको कम से कम 90% आपको फ़ायदा मिलेगा, आपका प्रॉफिट होगा। ऐसा ये मुनाफे वाला अच्छा बिजनेस है जिसको आप कर सकते हो। अगर इसमें लागत की कोई बात करेंगे तो समझो सब्जी आप जो जो लेने वाले हैं वो अगर पाव किलो भी लेते हैं तो आपको कम से कम 200 या 300 रुपये लगेंगे और वन टाइम इन्वेस्टमेंट आपको ग्राइंडर के लिए लगेगी और उसके बाद सेंधा नमक और चाट मसाला वो आपको सिर्फ नाम के लिए वहाँ पे रखने कुछ लोग मानते इसलिए। तो इस तरीके से आप ये उसका जो सेटअप है वो आप ले सकते हो। टेबल तो सभी के पास रहता है वो आप वहाँ पे रख के ठीक तरीके से उसको सजा के तो उस पर ये सभी प्रोडक्ट रख के लोगों को आकर्षित कर सकते हो। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा 50-100 रुपये का बैनर छापेंगे तो उसके ऊपर भी आयुर्वेदिक जूस सेंटर लिखेंगे तो लोग आपकी तरफ खींच के आएंगे, लोग आपको ढूंढते हुए आएंगे। ये प्रोडक्ट तो आपको रखना ही है। आपको पता है कोरोना का ये सब महामारी का सब माहौल चल रहा है और इस वक्त में आयुर्वेदिक मंत्रालय ने आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेदिक काढ़ा जो बताया आयुष काढ़ा तो उसको भी आप यहाँ पे रख सकते हो। अनेक से ऐसे लोग हैं जो उसको पीने के लिए आपके पास खुद ब खुद चले आएंगे, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी इस तरीके से आप इस बिजनेस को बढ़ा सकते हो, आप इस बिजनेस को कर सकते हो। एक बेहतरीन और एक अच्छा बिजनेस है, आपको सिर्फ करना है, इसके लिए पीछे नहीं हटना है। आपको जो जो भी इन्वेस्टमेंट लगेगी वो एकदम नॉर्मल है। अगर ये बिजनेस आपको स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपको कौन से भी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, कौन सा भी उद्योग आधार, कौन सा भी शॉप एक्ट लाइसेंस, कौन सा भी GST, ऐसे कौन से भी किसी भी तरीके से लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप जहाँ पे खड़े रहेंगे वो वहाँ पे जो भी उनका गार्डन का अगर कोई वॉचमैन होगा, अगर कोई मेन वहाँ का ऑर्गेनाइज़र होगा तो उसके साथ आप बातचीत कीजिए और आपका जगह फिक्स कीजिए। सुबह आपको सिर्फ जल्दी उठ के वहाँ पे जाना है। 6 बजे अगर आप अपना बिजनेस पूरा ये जो कुछ भी है वो स्टार्टअप आप वहाँ पे लगाते हो 6 बजे से लेकर 9 या 10 बजे तक, ज़्यादा से ज़्यादा 9 बजे तक आप लगाते हो तो कम से कम 150 या 200 लोग आपके पास से वो जूस पीने के लिए आएंगे। समझो अगर 200 लोग आते हैं या 150 लोग आते हैं या 100 लोग आते हैं तो आपको वैसे ही 1000-2000 रुपए आराम से मिल जाएंगे। इस तरीके से ये बहुत ही अच्छा और बेहतरीन और सुंदर बिजनेस है जिसको आपको करना है, बस करना है। अगर आप करते हो तो आप दिन के कम से कम 1000-1500 रुपया आराम से कमा सकते हो। आपको कोई रोक नहीं सकता क्योंकि ये बिजनेस के लिए बहुत सी डिमांड है, बहुत सी मांग है। अगर आप आयुर्वेदिक काढ़ा लेके किसी भी रास्ते पे खड़े रहते हो तो कोई भी म्यूनसिपालिटी वाला कोई भी इतर लोग आपको कुछ भी तकलीफ नहीं देंगे, आपको सपोर्ट करेंगे क्योंकि आप लोगों की ज़िंदगी बेहतरीन करने के लिए लोगों को एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट दे रहे हैं और जो ऐसा प्रोडक्ट जिसमें कौन सी भी मिलावट नहीं है, इसलिए लोग आपको ढूंढने के लिए आएंगे, लोग आपको ढूंढेंगे और आपके पास से ये जूस लेंगे। आप इस बिजनेस को स्टार्ट कीजिए। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मैंने आपको सब मुनाफा लागत सब कुछ बताया है, सिर्फ आपको स्टार्ट करना है, आपको इसमें काम करना है और काम करके एक अच्छा सा अच्छा आपका बेहतरीन जिंदगी आपको बनानी है। मैं इसी शुभकामना से यहाँ पे रुकता हूँ
और जाते समय वापस एक बार आपको बताता हूँ कि चाहुल उद्योगाची ये यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र। जय भारत।